ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वाञ्छाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुवैरेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य शिवगुरुभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णु पाद स्तोत्र तथा श्रीमद् स्मृति प्रवर्तन गुरु महाराज के चरण में साष्टांग करना प्रणाम करना हे जय सुपावन जगत तत्पश्चात परम गुरुदेव विष्णु पार्षद उपस्थित सत्युक्त गुरु हमने श्रवण कर रहे थे दाम बंधन लीला। तो इसमें गुरुदेव बता रहे थे कि किस प्रकार जसोमती माँ मैया पूरा कृष्ण के पीछे भागते रहते हैं और उसी समय पे जसोमती मैया के जो जो केस थे जो मारती का पुष्प एक एक करके नीचे गिर रहा है और एक एक करके जब नीचे गिर रहा है फिर मानो पे वो भी बोल रहे हैं कि आज तुम मतलब जब जसोमती मैया क्या करते हैं भाग जाते हैं थक जाते हैं तो उनको उत्साह प्रदान करने के लिए वो जो फूल गिरते हैं बोलते हैं कि मानो वो ये बोल रहे हैं कि चलो तुम हाको मत रुको मत आज तुमको कृष्ण को पकड़ना ही है। तो जब जैसे जसोमती मैया ने कृष्ण को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि कृष्ण अभी बांधना नहीं चाहते। कृष्ण सोच रहे हैं अगर मैया मुझे बांध देंगे तो उनका जो नित्य कर्म है नित्य कर्म अर्थात किस प्रकार वो सखाओं के साथ खेलने के लिए जाते हैं मधुवन में गाय चराने के लिए जाते हैं सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीला माखन मिश्री आदि चोरी करते हैं गोपियों के घर पे जाते हैं भक्तों के साथ बहुत सुंदर सुंदर लीला करते हैं वो सब नहीं हो पाएगा कृष्ण को अगर बांध दिया जाए तो यहाँ पे कृष्ण सोच रहे हैं क्या कि मैया मुझे मत बांधे। अब इतने में कृष्ण का जो इच्छा शक्ति जो हमारे वैष्णवी देवी उन्होंने क्या किया यहाँ पे फिर गुरुदेव बता रहे हैं कि उसी कारण की वजह से कृष्ण को मैया पकड़ नहीं पा रहे। फिर जब कृष्ण ने देखा कि मैया हाँफ रही है थक गई फिर कृष्ण सोच रहे हैं कि चलो अभी थोड़ा मैया तो हाँफ मतलब थक चुके हैं और शायद मुझे कष्ट नहीं देंगे। फिर इच्छा शक्ति ने क्या किया उनको फिर से मैया को जोर जबरदस्ती जाते हैं वहां पे गुरुदेव बोल रहे थे ना कि सत्यव्रत मुनि किस प्रकार की तत्व द्रुत्य गुप्त्य कि कृष्ण से भी अधिक जोर से जो जसोमती मैया क्या करते हैं दौड़ते हुए कृष्ण को पकड़ लेते हैं तत्व द्वितीय गुप्त मतलब बोलते हैं कि कृष्ण यहाँ थके नहीं कृष्ण थक नहीं गए कृष्ण दौड़ रहे हैं फिर उनसे भी ज्यादा स्पीड में गति में दौड़ के पूरा हाथ को पकड़ लेते हैं अभी तो तुमको मजा सिखाऊंगा सबक सिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि जिस भगवान को वो किसको बांधने चाहते हैं बांधा किसको चाहते हैं गुरुदेव बता रहे थे कि कोई सचिव वस्तु को कोई हमारे आयुष्य में हो उसी प्रकार वस्तु को बांधा जा सकता है लेकिन ये ठाकुर जी कौन है अंदर बाहर वैसे तो हमें बाहर भी है अंदर भी है ये साक्षात परतंत्र परम ब्रह्म भगवान है इनका कोई आदि अंत नहीं है ये असीम तत्व है तो इनको कैसे बांध सके यशोमती मैया। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे टीका बता रहे हैं कि किस प्रकार इन्होंने कृष्ण के पास जब शरणागति होते हैं कि सब गोपी लोग वहां पे खिली हंसी मजाक करते हैं कि अरे जसोमती मैया तुम्हारे जो कृष्ण है वो बंधने वाले नहीं है तब इन्होंने उनको हंसी मजाक को देख के पूरा दिन भर परेशान हो जाते हैं बांधते बांधते फिर भी बांध नहीं पाते हैं। फिर अंतिम में वो अपने इष्ट देवता कुल देवता नारायण को स्मरण करते हैं हे प्रभु
इतने छोटा बच्चे को मैं बांध नहीं पा रहे, इतना सारे जो गोपी लोग हैं सब लोग मुझे खिली मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं कि मैं बांध नहीं पा रहा। अब आप ही मुझे कृपा करो। तब जब शरणागति होते हैं तब ठाकुर जी वहां पे कृपा करके स्वयं ही, ठाकुर जी को कोई बांध नहीं सकता, ठाकुर जी स्वयं ही वहां पे बंध जाते हैं। फिर आगे बोलते हैं कि ठाकुर जी, यहाँ पे कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि भक्त और भगवान के बीच में अगर कभी लड़ाई हो गया, भक्त और भगवान के बीच में अगर लड़ाई हो गया तो भक्त अगर जीत जाए ना तो ठाकुर जी को बहुत आनंद मिलता है। गुरुदेव किस प्रकार बोल रहे हैं कि सिद्धाम को कहते भक्त लोग कृष्ण सिद्धाम का लड़ाई होता है तो सिद्धाम भैया कहते किस प्रकार कृष्ण को पटक देते हैं, पूरा कृष्ण से लड्डू ले लेते हैं, कृष्ण से माखन ले लेते हैं जोर जबरदस्ती करके, तो ये सब देख के कृष्ण को आनंदित होता है। तो बोलते हैं कि भक्त और भगवान के बीच में अगर लड़ाई हो गया तो भक्तों को जिता करके कृष्ण खुद आनंद लेते हैं। यहाँ पे और एक उदाहरण लेते हुए गुरुदेव बोल रहे थे कि जिस समय महाभारत युद्ध हुआ कृष्ण ने प्रतिज्ञा लिया था, बोले क्या प्रतिज्ञा लिया था कि मैं अस्त्र नहीं धारण करूंगा। तो फिर जिस समय देखे कि पितामह भीष्म बहुत बड़े धनुर्धारी थे, वो जिस प्रकार के पांडव की जो धनुर्धारी धनुर्धारी पार्थ अर्जुन को जो तीर मार रहे थे, तो देख के अर्जुन को बोले कि मारो, तो वो मार ही नहीं रहे। तो उसी समय ठाकुर जी ने अपना प्रतिज्ञा भंग करने के लिए क्रोधित होके हुए जो रथ का जो पहिया था उसको उठाए और मारने के लिए चले गए। तब यहाँ पे पितामह भीष्म तुरंत ही अपने अस्त्र रख के बोलने, प्रभु आप कितने भक्तवत्सलता हो, आप कितने मतलब दयालु हो कि आप प्रतिज्ञा लिए थे कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी भक्त के लिए आप अपने प्रतिज्ञा को भी आप क्या किए, तोड़ दिए। तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि भक्त के लिए ठाकुर जी सब कुछ कर सकते हैं, भक्त को जिता करके ठाकुर जी का आनंद होते हैं। अब यहाँ पे इसी कारण वजह से भी बोल रहे हैं कि किस प्रकार जसोमती मैया ने इतना परेशान होके दिन भर इतना मेहनत करके बांधने की कोशिश कर रहे हैं और कृष्ण बांध नहीं पा रहे। तो यहाँ पे जब स्तुति करते हैं शरणागति हो जाते हैं तो कृष्ण वहां पे उनके स्वयं उनके बंधन को स्वीकार करते हैं। फिर इससे आगे गुरुदेव बता रहे थे कि जब इन्होंने बांधने लगे तो इनके उदर में इनके जो पेट में दो अंगुल कम हो गए। तो हमारे गुरुवर्ग और टीकाकार बोलते हैं ये दो अंगुल क्या है, क्या चीज है ये दो अंगुल। एक तो गुरुदेव बताए थे कि साधक के साधन का चेष्टा और दूसरा है भगवत कृपा, भगवान की कृपा। तो साधक के साधन का चेष्टा क्या है, उदाहरण देते हुए बोल रहे थे कि किस प्रकार के, जैसे ध्रुव महाराज जी को उदाहरण देते हुए गुरुदेव बताया था कि किस प्रकार ध्रुव महाराज जी पूरा अपने चेष्टा किया कि ठाकुर जी उनको भगवत प्राप्त हो, तो तभी जाके भगवान ने उनको आके दर्शन दिया। और बताया कि कैलक हरावत, जिस प्रकार एक सहज जिस प्रकार से हम उसको गिराएंगे और किसी तेल को गिराएंगे तो उसको बोलते कैलक हरावत, अगर कोई साधन करे निरंतर साधन करे अप्रतिहत, मतलब कोई ब्रेक ना देके चलो आज कर लिया कल नहीं करेंगे ऐसे नहीं, पूरा निरंतर रूप में जो साधन करे चेष्टा करे तभी जाके उसको ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। फिर गुरुदेव ने एक अनुभूति बताए थे कि किस प्रकार मथुरा की परिक्रमा के समय में हमारे गुरुदेव बड़े गुरुदेव के साथ इन्होंने परिक्रमा में ध्रुव टीला पे गए थे और ध्रुव टीला पे एक भजन कर रहे थे एक संत, तो उन्होंने आके गुरुदेव से पूछा कि हमें एक ही जगह पे 6 महीने में ध्रुव जी को भगवत प्राप्त हुआ था, मुझे क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है। तो वहां पे गुरुदेव बताए कि जिस समय प्राण मुंह में आ जाए कि अब हम ठाकुर जी के बिना दर्शन के हम अभी प्राण छोड़ देंगे, ऐसा स्थिति अगर आ जाए हमारा, हम साधन करते करते ऐसा स्थिति कभी आ जाए तभी जाके ठाकुर जी कृपा करके वहां पे दर्शन देते हैं। फिर बोले थे कि किसने ने किसने की बात जागरण अवर से चिंतन कृष्ण बोला वदन कि सोते समय स्वप्न में हर समय पे अवर से जैसे भी हो भगवान का नाम को हमको ग्रहण करना चाहिए, साधन करना चाहिए, फिर जाके कृष्ण कृपा करके दर्शन देते हैं। ये तो पहला अंगुल क्या है ना, साधन के साधक के चेष्टा, और दूसरा अंगुल गुरुदेव बताए थे कि भगवत कृपा, भगवान की कृपा के बिना चाहे साधक कितना भी चेष्टा कर ले उससे कुछ नहीं हो पाएगा, भगवत कृपा उससे पूरा इम्पोर्टेंट वस्तु है। यहाँ गुरुदेव बता रहे थे कि उदाहरण दे रहे थे कि किस प्रकार एक बच्चे को छोड़ के माँ जब कुछ घर में काम करने लगती है तो बच्चे रोने लगते हैं ताकि माँ उठा के गोद में ले,
तो बच्चे तो धीरे धीरे जब रोते हैं तो माँ सोचते हैं हाँ मैं तो काम तो कर लू कर लूंगा रोटी कर लूंगा और कुछ ना कर लूंगा फिर जाके उठा लूंगा। फिर बच्चे देखते हैं कि अरे माँ तो आ नहीं रहे, फिर और थोड़ा तेज करके वॉल्यूम बढ़ा देते कि और जोर से तेज करके रोने लगते हैं। फिर और जब तेज करके रोने लगते हैं फिर माँ सोचते हैं हाँ अरे तो अभी भी हाँ कोई बात नहीं अभी तो थोड़ा ही बाकी रह गया है अभी जाके बच्चे को गोद में उठाऊंगा फिर खिलाऊंगा पिलाऊंगा सब सेवा करूंगा बातचीत प्रेम दूंगा। फिर बच्चे सोचता है माँ ऐसे आएंगे नहीं। फिर वो बच्चे क्या करते हैं पूरा लोअर कोर्ट खा के बहुत जोर 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 से रोने लगते हैं तब माँ सब काम को छोड़ के वहां पे भाग के जाके बच्चे को पकड़ लेते हैं। तो उसी प्रकार के हमारे जो स्थिति है भगवान की जो प्राप्त करने का जो कृपा है कि किस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर जो बोलते हैं कि कांदिया कांदिया तुम्हार चरण बड़ी अच्छी शुभी हो कि करुणा न मिले कांदिया कांदिया प्राण न रखी हुआ कि आपके अगर करुणा कृपा दृष्टि नहीं हुआ तो हम रो रो के हम अपने प्राण को त्याग कर देंगे। इसी प्रकार का जब चेष्टा होता है तो भगवान उसी चेष्टा में रीझ जाते हैं उसी चेष्टा को देख के भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं और स्वयं कृपा करने के लिए आ जाते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार ज्योतिमती मैया के जो बीस वर्ष का जो चेष्टा था फिर जो उन्होंने शरणागति हो गया फिर शरणागति होने के बाद ठाकुर जी स्वयं उनकी शरणागति को देख के मतलब रीझ गए द्रवीभूत हो गए और उनको कृपा करके स्वयं ही बंधन स्वीकार किए। गुरुदेव यहाँ पे बता रहे थे कि किस प्रकार के बंदर और मांजर बंदर और बिल्ली आप बोलो आप बोलो इसको बंदर और बिल्ली सुबह सुबह तुम कुछ बोल सकते हो बंदर और मार्जार बंदर यहाँ देखे कि नहीं बड़ो तुम्हें बहुत बंदर है अब बिल्ली तो देखा होगा ना देखा हो बिल्ली और बिल्ली और बंदर क्या बोलना हरे कृष्ण। यहाँ पर प्रभु जी बता रहे थे कि किस प्रकार वो जो दो उंगल बताई थी एक साधक की चेष्टा और दूसरा भगवान की कृपा तो ये जो दो उंगल का रहस्य गुरुदेव कहते हैं अगर कोई समझ गया तो समझो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो पहला बताया साधक की चेष्टा और दूसरा बताया भगवान की कृपा। अब इसको समझाने के लिए यहाँ दो न्याय का उपयोग यहाँ पर किया है एक बंदर का और एक मार्जन है। अब बंदर हम सब ने देखा है बंदर बंदर के अंदर जो बच्चा होता है बंदर का वो अपनी माँ को अपनी चेष्टा से पकड़ के रखता है। बंदर या उसको कुछ भी पकड़ती नहीं बंदर उसको जोर से पकड़ के रखता है माँ इधर से उधर कूदती रहती है लेकिन बच्चा उसको बिल्कुल टाइट पकड़ के रखता है। तो इसमें चेष्टा किसकी है बच्चे की चेष्टा माँ की कोई चेष्टा नहीं है। तो अगर बच्चा कभी गिर जाए तो माँ उसको दोबारा फिर बच्चे को लेकर चलती है मुंह में तो मुंह में दबा के इस प्रकार चलती है कि बच्चे को कोई चेष्टा नहीं वो म्याओ म्याओ आनंद में रहता है और बिल्ली इधर से उधर घूमती रहती है नौ घर बसती बिल्ली बच्चे देती है ना एक जगह पे बिल्कुल नहीं रहती डरी डरी घूमती। तो इन दोनों से हमें क्या शिक्षा लेनी है यहाँ पे बताया कि ये दो प्रकार की चेष्टाएं हैं एक बंदर के बच्चे की और एक बिल्ली के बच्चे की। तो इसके अंदर कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान को हम अपनी चेष्टा से प्राप्त कर लेंगे हमें की कृपा की आवश्यकता नहीं है तो वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और दूसरा बताया वो बिल्ली वाले ने अगर कोई व्यक्ति सोचे कि सब तो भगवान का ही है भगवान चाहेंगे तो हमें मिलेंगे भगवान चाहेंगे तो हम मंगल आरती में आ पाएंगे भगवान चाहेंगे तो सब भगवान ही हम कुछ नहीं करेंगे भगवान ने चाहा तो सुबह अपने आप भगवान आएंगे उठाएंगे और मंगल आरती में ले जाएंगे कान पकड़ के सब भगवान करेंगे हम कुछ भी नहीं करेंगे तो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ बताया इन दोनों ही न्याय को जब मिला देंगे इन दोनों ही उदाहरण को जब हम मिला देंगे माने चेष्टा कैसी होनी चाहिए वो जो बदर का बच्चा एकदम कड़ी चेष्टा होनी चाहिए अपना तिलक जो भगवान का कीर्तन है संख्या पूर्वक नाम गान गाला वसानी कुतो अपना पूरा संख्या पूर्वक नाम कर लेना तिलक कर लेना मंगल आरती में आना आदि जो भी हमारा कर्म जो क्रिया है भक्ति की जो भी साधन है उसको ठीक ठीक रूप में पालन करना। लेकिन मन में भावना कैसी होनी चाहिए कि प्रभु हम तो चेष्टा कर रहे हैं लेकिन हमारी चेष्टा से आपको प्राप्त नहीं कर सकते
बिल्कुल शरणागत होकर के भगवान का हमें भजन जब करेंगे, जब भगवान हमें कृपा करेंगे, कृपा जैसे वो बिल्ली देखी ना उठा करके, उसमें बालक की कोई भी, बिल्ली के बच्चे की कोई भी चेष्टा नहीं है। तो जब हमारी जो चेष्टा जो साधन है अगर वो ठीक ठाक होगा, उसी को देख करके ही भगवान हम पर कृपा करेंगे। तो शरणागत होकर के जब हम चेष्टा करेंगे तो ठाकुर जी हम तो साधन कर रहे हैं, पर सिद्धि कब मिलेगी? सिद्धि आपकी कृपा से ही मिलेगी। इसलिए हम जब ये दोनों चीजों को मिला देंगे तब जाकर के पूर्ण रूप में ठाकुर की कृपा हमें प्राप्ति हो सकती है। तो यही रहस्य है वो दो मुली का, जो हर समय छोटी पड़ जाती थी जब मैया यशोदा कृष्ण को बांधने की चेष्टा करती थी। लेकिन जब यशोदा मैया अंत में शरणागत हो गई कृष्ण के कि हे नारायण, देखो चेष्टा कितनी करी माता जी ने, पूरा दिन हो गया ना, सुबह से लेके शाम हो गई, यशोदा मैया चेष्टा करती रही, लेकिन अंत में शरणागत भी तो हो गई ना, नारायण की शरणागत हो गई। बोला हे नारायण, सुबह से शाम हो गई है, देखो सब लोग मेरी हंसी उड़ा रहे, मेरी लज्जा देखो, आप मेरी लाज को बचाओ, और ये पुत्र ही मेरा बंध क्यों नहीं रहा है, आप कृपा करो ना। तब जाकर के भगवान ने फिर माँ की चेष्टा को देख करके आशी कृपया कृपा करके भगवान माँ के प्रेम के बंधन में आ गए। इस प्रकार मैया यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया। गौर कृपा बंधे रोज आप थोड़ी बोल दो कुछ नया बोल दो, 5 मिनट बोल। नमो विष्णु पादाय राधिका के आत्मने शिष्य मत भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी रामायण वंशा कल्पतरुष्ण प्रासन दुग्य चौपति तनाम पावने प्रविष्ट भव्यो नमो प्रथम अपने गुरुदेव मित्रिला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद विष्णु तथा शिष्य मत भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की चरण सरोज में अनंत कोटि धर्म ध्यापन करता हूँ। पश्चात शिष्य गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि धर्म प्रणाम। आज महाराज जी बड़ी सुंदर सुंदर बातें बता रहे थे, उमा दीदी के यहाँ बता रहे थे कि किस प्रकार से हमें श्रद्धा को प्रकार करना चाहिए। संसारी लोग आपस में सामने तो आदर करते हैं, पीछे चुगली करते हैं, लेकिन वैष्णव धर्म के अंतर्गत ये सब नहीं चलता। अगर आप चलाने का प्रयास भी करेंगे तो विफल हो जाएंगे, और थोड़ी सी कृपा जो गुरुदेव की होगी और हमारी चेष्टा होगी तो समझ में भी आ जाएगा कि यह चुगली का स्थान है। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे शरण गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी जी, जो निरंतर श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला को दर्शन करते रहते थे, वो सुंदर दर्शन कर रहे हैं कि राधा रानी पुष्प चयन करने के लिए कुसुम सरोवर में गए, और वहां पर जो पुष्प हैं वो लता के माध्यम से पेड़ पर लगे हुए हैं, और राधा रानी थोड़ी सी छोटी रह जाती है, उचक उचक करके तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन टूट नहीं पा रहे। और कृष्ण बड़े कौतुकी बड़े विनोदी निरंतर गोपियों को विनोद के द्वारा या थोड़ा सा चिढ़ा करके या थोड़ा सा हास्य कुछ ना कुछ इस तरीके से करते कि जिससे एक आनंद वर्धन होता। तो जानते राधा रानी यहां पर पुष्प चयन के लिए आएगी तो पहले से पेड़ पर चढ़े बैठे, और वो उचक उचक के राधा रानी पुष्प चयन करना चाह रही है लेकिन थोड़ा सा रह जाता है, जैसे ये पुष्प है पकड़ना चाह रही है लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े कृपालु हैं, उन्होंने अपना एक चरण कमल उस टहनी पर जोर से दबा दिया और वो टहनी नीचे आ गई, और वो बड़े सहजता से टहनी को पकड़ करके बोले अब तो सारे के सारे मैं पुष्प को चयन कर लूंगी, और अपनी झोली में फटाफट गिरने लगी, और एक हाथ से क्या पकड़ा हुआ है टहनी को और उछल के फिर, और एकदम से ठाकुर जी विरोधी हैं और अपना चरण कमल हटाया और वो डाली ऊपर हो गई और राजा रानी भी लटक गए ऊपर। इस दृश्य को कौन देख रहे हैं? श्री रूप गोस्वामी जी देख रहे हैं, और एकदम से उनको हंसी आ गई, और वहीं से एक वहां पर ब्राह्मण देव संत थे वैष्णव, इनका नाम है खंज कृष्ण दास, वहां से जा रहे थे, वो थोड़े से अपंग थे और इस तरह से लड़ा लड़ा के चल रहे थे,
तो वो तो रूप गोस्वामी जी दर्शन कर रहे हैं नित्य लीला का, और वहां से खंज कृष्ण जब वहां से गए तो एक खिलखिला के जब हंसे रूप गोस्वामी जी, उन्होंने सोचा मेरी चाल को देख करके हंसे, तो अंदर से उनको बड़ी पीड़ा हुई और वो चले गए और सोचने लगे कि ये कैसे संत हैं जो अभी तक शारीरिक बनावट पर इनकी आसक्ति है, देखकर हंसते हैं मुस्कुराते हैं, ये सोच करके अपने आश्रम में चले गए। अब रूप गोस्वामी जी को जो दर्शन हो रहा था वो दर्शन लुप्त हो गया, निरंतर दर्शन उनके हृदय में विराजमान रहता था, वो दर्शन बार बार चेष्टा करने पर भी नहीं आ रहा। वो सोचने लगे क्या हो गया। तभी कुछ समय बाद सनातन गोस्वामी पधारे उनकी कुटिया पर, उन्होंने कहा भ्राता मुझसे पता नहीं क्या ऐसी भूल हुई जो अब मुझे दर्शन नहीं होता। तो सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कुछ ना कुछ वैष्णव अपराध बना है तुम्हारा, जो तुम्हारे हृदय में प्रेम दर्शन नहीं हो पा रहा। याद करो तो रूप गोस्वामी जी कहने लगे कि मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आता कि मैंने किसी के वैष्णव के चरणों में अपराध किया हो। सनातन गोस्वामी जी ने कहा हो ना हो तुम्हारे जाने जाने में कुछ ना कुछ वैष्णव अपराध बन गया है, तुम एक काम करो तुम समस्त वृंदावन के वैष्णवों को यहां पर गोष्ठी पे बुलाओ और ठाकुर जी को भोग लगा के महाप्रसाद सबको वितरण करो, भंडारा करो, और जो वैष्णव नहीं आए समझ लेना उसी के चरणों में अपराध। तो उन्होंने ऐसा ही किया, समस्त वैष्णव को पत्र प्रदान किया, मौखिक लोगों को संदेश दिया कि अमुक तिथि पर सुंदर ठाकुर का भंडारा है, सब आइए। दूर दूर से वैष्णव लोग आए, सब आए, लेकिन खंज कृष्णदास वहां प्रकट नहीं हुए, क्योंकि वो अंदर से बड़े जले हुए थे, क्रोधित थे कि रूप गोस्वामी जी ने मुझ पर हंसे हैं और मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर जब देखा सब आए, सबने प्रसाद पाया और बड़े आनंद से आलिंगन किया, आशीर्वाद प्रदान करके अपने अपने आश्रमों को प्रस्थान किया, तब सनातन गोस्वामी जी ने पूछा कि कौन से वैष्णव नहीं आए। कहा सब आए लेकिन वो एक हैं जो खंज कृष्णदास के नाम से हैं और वो नहीं आए, तो समझ लो उन्हीं के चरणों में अपराध है, उनको बुलवाइए। तो उनको बुलवाया गया और उनसे क्षमा याचना की, मुझसे ऐसा क्या अपराध बन पड़ा जो आप यहां नहीं पधारे, भंडारे में नहीं आए, कृपा करके बतलाएं। तब उन्होंने बताया हे रूप गोस्वामी जी आप अमुक दिन वहां बैठे थे अपने आश्रम के बाहर और मैं वहां से टेढ़ी मेढ़ी अपनी बड़ी चेष्टा से कष्टपूर्ण तरीके से चाल से चल रहा था और आप मुझ पर हंसे थे, इसने मुझे अंदर से बड़ा ताप हुआ, मैं इसलिए नहीं आया। रूप गोस्वामी जी ने जो महान उच्च कोटि के संत है साष्टांग दंड प्रणाम किया उनके चरणों में, कहा नहीं प्रभु मैं आप पर नहीं हंसता, मैं ठाकुर जी की सुंदर विनोद लीला को देख करके दृश्य को देख करके आनंदित होकर हंसता था और मुझे क्षमा कीजिए। और उसके बाद क्षमा मांगी, उनको भंडारा पवाया, प्रसाद पवाया और पूर्ण तरीके से आलिंगन करके कहा अब ऐसा कभी नहीं होगा। इस तरीके से फिर उनके बाद रूप गोस्वामी जी के हृदय में निरंतर नित्य लीला फिर से प्रकाशित हुई। इसीलिए कभी भी भूल करके भी जाने जाने में भी वैष्णवों की निंदा नहीं करनी चाहिए, वैष्णवों के चरणों में कभी भी अपराध नहीं होना चाहिए, इससे बचे, कभी भी आपकी भक्ति पुष्ट नहीं हो पाए। धन्यवाद। पंचा हरे कृष्ण हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरां तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप
सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीलाओं प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीलाव नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे मैया यशोदा ने कृष्ण को अपना प्रेम को द्वारा भगवान को उन्होंने बांध दी। तो हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर कहते हैं भले उन्होंने बांधे किसको, कहते जिसका बाहर नहीं और जिसका भीतर नहीं, जो अनलिमिटेड वस्तु है, कहते भगवान उनको मैया यशोदा उनको बांध दिए और कृष्ण उसकी बसता को स्वीकार किया। तो विश्वनाथ चक्र यहाँ पर कुछ अच्छी अच्छी बात कहते हैं, कहते भगवान परम ऐश्वर्य होते हुए भी हैं, कहते भगवान जो बंधनता को स्वीकार किया, कोई अगर प्रश्न करेगा भगवान तो अनलिमिटेड है, तो बाहर नहीं भीतर नहीं, फिर भगवान को मैया ने क्यों बांध दिए, उन्होंने क्यों बंधन को स्वीकार किया। तो यहाँ पर कहते हैं कई अगर कोई सोचे नहीं ये दोष है भगवान कैसे बांध दिया, अपने दोष नहीं ये भूषण है, भगवान की ये भूषण है जो भक्तों की प्रेम में भगवान कैसे बसीभूत हो जाते हैं। कहते भगवान को बताए वो आत्मा राम है। आत्मा राम मतलब क्या है, जो अपना आत्मा में रमण करते हैं, जिनको कोई भूख जिनकी कोई तृष्णा नहीं, लेकिन भगवान हर मिनट मिनट में कृष्ण मचलते हैं, बोले मैया मेरे को मक्खन मिश्री रोटी दे दे हैं, लेकिन वो आत्मा राम होते हुए भी उनके अंदर में हर समय जो भूख है, कहती ये क्या है, कहती ये दोष नहीं है भगवान की गुण है। कहते भगवान पूर्ण का, कहते ना ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए वेद कहता है भगवान पूर्ण, पूर्ण से पूर्ण जाए तभी पूर्ण, पूर्ण से पूर्ण जाए तभी पूर्ण, पूर्ण से अगर पूर्ण हो तभी कृष्ण पूर्ण। कहते कृष्ण तो पूर्ण है लेकिन कृष्ण हर समय अतृप्ति, मतलब भगवान कभी तृप्त नहीं होते हैं, भगवान कभी तृप्ति नहीं होते, हर समय जो अतृप्ति दिखता है भगवान के अंदर में ये भी भगवान की गुण है। कहते भगवान शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व मतलब होता है जो एकदम पवित्र निर्मल है, लेकिन भगवान शुद्ध सत्व होते हुए भी लेकिन भगवान के अंदर में क्रोध दिखता है। ठाकुर जी हाँ अभी मटकी फोड़ दिए ना, क्यों मटकी फोड़ी, मैया ने थोड़ी सी गोद से उतार दिए, बोला अभी यार मेरा आधा पेट भी भरा नहीं और मेरे को तुमने उतार दिया और मटकी को नोड़े से फोड़ दिए, तो भगवान का अंदर फिर क्रोध क्यों दिखता है। भगवान तो शुद्ध सत्व है, निर्मल पवित्र है, लेकिन भगवान ये क्रोध क्यों दिखता है। कहते केवल भक्तों को आनंद देने के लिए प्रभु जी के अंदर में क्रोध दिखते हैं। इसलिए भगवान कौन है, सारा ऐश्वर्य पूर्ण। कहते ना भगवान के अंदर में छह गुण है, जिसके अंदर में परिपूर्ण रूप में छह गुण हो उनको भगवान कहते हैं। बोले छह गुण क्या है, बोले समस्तस्य ऐश्वर्यस्य, भगवान के अंदर में सारी ऐश्वर्य, लक्ष्मी जी के चरण की पूजा करती है माँ लक्ष्मी, कहते एक लक्ष्मी नहीं, कहते लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सर्वमानम, कहते वृंदावन में तो हजार हजार लक्ष्मी जहां झाड़ू लगाती है, जिस धाम को कहते हैं चिंतामणि है, जहां की वृक्ष कल्प वृक्ष, लेकिन ऐसे होते हुए भी भगवान सर्व ऐश्वर्य पूर्ण है, समग्र ऐश्वर्यस्य वीर्य श्री पराक्रम, भगवान कहते सारे गुण परिपूर्ण, लेकिन भगवान क्या करते हैं, चोरी करते हैं। भगवान चोरी कौन करता है, जिसके पास में कोई चीज नहीं होता भी तो व्यक्ति चोरी करेगा ना, लेकिन ये सारा ऐश्वर्य पूर्ण होते हुए भी लक्ष्मी जी के चरण की सेवा करते हैं, ठाकुर जी घर घर में जाकर के मक्खन चोरी करते हैं, कहते ये क्या दोष, बोले दोष नहीं ये भगवान की गुण है, क्योंकि गोपियां उनको बड़े प्रेम से बुलाती है ना, आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गुजरिया, ठाकुर जी को गोपियां बड़े प्रेम से बुलाती है, इसलिए कहते ये दोष नहीं है भगवान की गुण है। कद महाकाल हैं जम जिनकी डर से थर 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 कांपते हैं,
है, जब भगवान कृष्णा अपना गुरु पुत्र को लेने के लिए जमपुरी में गए, गुरु जी ने कहा, बोले गुरु जी आपको क्या दक्षिणा देना चाहता है? बोले बेटा मेरी बचपन में मेरा बेटा मर गया, उसको ला सकते हो? बोले गुरु जी चिंता क्यों करते हो, मैं ला दूंगा। कहां पर गए? जब महाराज के पास में, वहां पर जो भगवान ने संघ बजाया ना, सुखताल कांपते कांपते आए। बोले क्यों? लगता है मेरा नंबर आ गया है, क्योंकि उन्होंने इंद्र का अभिमान भी चूर्ण किया, ब्रह्मा की अभिमान भी चूर्ण किया, और सारे देवा देवी 33 करोड़ देवता, जब उन्होंने जिस समय सत्य बाबा ने एक पारिजात पेड़ के लिए गए, कोई देवता देना नहीं चाह रहे थे, ठाकुर जी को जोर जबरदस्ती उखाड़ करके ले आए, सारे देवता वहां पर इकट्ठे होकर युद्ध किया, ए भगवान सबको मार मार कर भगाया। इसलिए अभी सोच रहे हैं सारे देवता को घमंड चूर्ण हो गया, लगता है मेरा ही कार्य आ गया है, मेरा ही। इसलिए काल स्वयं जिसका डर से तत्तर कांपते, काल कांपते 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 आए, बोले प्रभु क्या चाहिए? बोले मेरे गुरु पुत्र को वापस दो। ठाकुर जी मरे हुए बेटे को वापस लेकर आए, ये जब गुरु जी को दिए, बोले बेटा तुमने जो गुरु दक्षिणा दिया है ना, ऐसे गुरु दक्षिणा जगत में कोई नहीं दे सकते हैं। इसलिए कहते जब जिसकी डर से कहते मत भयात बात सूर्य तपत मत भयात, मेरे डर से सूर्य टाइम पर उदय होते हैं, चंद्रमा टाइम पर उदय होते हैं, ये वायु बहती हैं, काल जीव को ग्रहण करते हैं, इंद्र वारी से करता है। लेकिन आज मैया जसोदा की डर से कृष्ण क्या कर रहे हैं? मैया जब एक हाथ को दूसरे हाथ में पकड़ ली, बाम हाथ से सीधा हाथ को पकड़ ली, हाथ में छड़ी ली, बोले बोल मटकी किसने फोड़, तुमने क्यों ये मटकी तुमने फोड़ दी, मारो। बोले भैया डंडा फेंक दे, मेरे को डर लगता है भैया, और चोरी नहीं करूंगा भैया, मेरे को छोड़ दे भैया, मेरे को छोड़ दे, और नहीं करूंगा। वहां पर कुंती भी कहती है, मैं भी देख करके तो मैं भी पागल हो गई। बोले काल जिसको डर से थर थर कांपते, आज मैया के डर से बोले मुहूर् श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ, बारम्बार श्वास छोड़ रहे, रो रहे, शिशक शिशक कृष्ण रो रहे, दोनों आंखों को हाथ में मसल रहे, गंगा जमुना की धार बह रहे। कहती क्या दोष? बोले नहीं दोष नहीं, भगवान की गुण है। इसलिए कहते भगवान यहाँ पर सब ये करते, आज कृष्ण मैया के डर से डर रही हैं, और कृष्ण क्या कर भाग रहे, कृष्ण मैया उसको पीछे पीछे भाग रहे। बोले कहाँ पे चलोगे, आज पकड़ करके रहूंगी तेरे को, छोड़ूंगी नहीं, कहाँ चलोगे है। इसलिए कहते ये क्या दोष है विश्वनाथ से बैठा कर, नहीं दोष नहीं, ये ठाकुर जी का गुण है। मालिक दुनिया की होकर के भक्तों का प्रेम में ठाकुर जी कैसे बसीभूत हो जाते हैं। लेकिन भगवान कैसे हैं? बोले मन अग्रगामी, जिनको मन भी जिनको छू नहीं सकता। जगत में सबसे बड़ा तेज क्या है? चल गति में, गति में सबसे कौन तेज है? वायु। वायु से ज्यादा तेज कौन है? अग्नि है। अग्नि कहते अग्नि से ज्यादा तेज कौन है? ये मन। मन यहाँ बैठ कर एक मिनट में ना विश्व ब्रह्मांड चक्कर लग रहा है, लंदन फ्रांस जर्मनी अमेरिका सब दुनिया ये मन घूम, इससे ज्यादा तेज नहीं। तब विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि ये भगवान क्या, ये मन मन भी इतना तेज मन है, लेकिन ये मन को द्वारा भी जिनको पाना, वायु रथा भी मन संबंधि पुंगवा नाम, बड़े बड़े ध्यानी जोगी लोग भगवान को स्मरण करने के लिए बैठे थे, उनको भी स्मरण नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज क्या हुआ, मैया की है, मैया की प्रेम में जिनको कोई नहीं पकड़ सकते हैं, आज मैया हमको पकड़ लिया है। मन से तेजी होकर के भी उन्होंने भक्तों की प्रेम में बसीभूत हो गए। कभी क्या दोष? बोले दोष नहीं। कभी क्या? बोले गुण। ठाकुर जी की ये गुण है। लेकिन भगवान कौन है? हमारे वेद क्या, आनंदमय ब्रह्म कहते ना, आनंदमय ब्रह्म सच्चिदानंद रूपाय भगवान, भगवान आनंद स्वरूप है। लेकिन भगवान आनंद स्वरूप होते हुए भी मैया जब हाथ पकड़ कर डंडा दिखा रहे, कृष्ण क्या कर रो रहे हैं, जो आनंद स्वरूप है। लेकिन आज क्या कर रहे हैं कृष्ण मैया के सामने, आज ठाकुर जी रो रहे हैं। बोले क्या ये दोष? बोले दोष नहीं, कहते ये गुण है। कहते भगवान सर्वव्यापक, विश्वनाथ एक एक चीज बता रहे, भगवान सर्वव्यापक है। कहते ना उसके इच्छा में कर पता भी नहीं हिलता है, भगवान कण कण में ठाकुर जी की निवास, कण कण में, लेकिन कण कण में भगवान का निवास होते हुए भी आज भगवान क्या किया, उन्होंने मैया की रज्जु में
मैया ने कृष्ण को उखल में आज ठाकुर जी को बांध दिया है। इसलिए कहते हैं ये क्या है, कहते ये भगवान की स्वाभाविक रूप में भक्तों का प्रेम में बसभूत दिखा रहे। भगवान दुनिया को ये प्रदर्शन कर रहे हैं मैं ऐसे होते हुए भी लेकिन मैं किसकी प्रेम में बसीभूत हो जाता हूँ, माँ की प्रेम में मैं बसीभूत हो जाता हूँ। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत में बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोले किसकी प्रेम में बंध गए, बोले मैया की। तो यहाँ पर मैया की सौभाग्य बता रहे हैं, बोले नेमम विरिंच न भव नरप्य रंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी जत तत प्राप विमुक्ति तात। श्लोक याद करते हैं, बहुत अच्छी श्लोक है। यहाँ पर कह रहे हैं कहते मैया जसोदा ने जो सौभाग्य प्राप्त किया है ये सौभाग्य को नेमा बिरिंची, बिरिंच मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा को भी वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। कहते ब्रह्मा कौन है, भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुई, इसलिए ये भगवान का बेटा है, भगवान की बेटा श्री ब्रह्मा इनको बेटा मान जाती है। और जिस समय ब्रह्मा ने तपस्या की है, जब उन्होंने कमलनाथ से ऊपर उठे फिर ढूंढे कहीं मिले नहीं, फिर उन्होंने फिर तपस्या में बैठे, फिर त और उप व्यंजन वर्ण का सोलमा एकोसमा अक्षर को सुने, बोले तपस्या करो, ब्रह्मा जी तपस्या किए, भगवान क्या किया, बोले ज्ञानम में परम गियम जद विज्ञान समन्वितम सह रहस्यंच तदगंच गृहाणम गतमया। भगवान ने बोले ब्रह्मा जी मैं तेरे को ज्ञानों में परम गुहम, तुमको जो परम गुह ज्ञान में प्रदान करता हूँ, परम गुह ज्ञान, जब ज्ञान केवल होना वो केवल कृष्ण, लेकिन जब विज्ञान हो उस समय राधा रानी के साथ में कृष्ण, लेकिन उससे जो गोपनीय ज्ञान हो, कहते जिनको सखियों के साथ में जब उनको ज्ञान प्रदान करते हैं, अपना सखियों के साथ में जब कल्प वृक्ष नीचे परिवेष्टित है, कहते वो ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया है, हैं? लेकिन ऐसे जो ब्रह्मा है जिसने जगत को सृष्टि किया, बस ब्रह्मा जी हमारे आदि गुरु भी है, कहते भैया मैया जसोदा को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ ना, कहते ब्रह्मा जी को भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, बोले भैया ब्रह्मा जी को बात ही छोड़ दो, बोले फिर बोले न बिरिंच न भव, शंकर जी को भी वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, हैं? इसलिए शंकर जी कौन, कहते ना हरिहर एकात्मा, हरिहर एकात्मा एक स्वरूप में हरि, आधा हर एक स्वरूप में, नवद्वीप परिक्रमा में जाते हैं ना, वहां पर कौन सा स्थान है, हरिहर क्षेत्र है, वहां पर देखना कि शंकर जी और ब्रह्मा एक स्वरूप में, शंकर और ब्रह्मा वो एकात्मा, हाँ हाँ वही हरिहर हरि है हर ब्रह्मा, इसलिए दोनों ये एक उनको अभिन्न स्वरूप है। और हम शंकर जी को क्या कहते हैं, वैष्णव नाम जथा संभो, शंकर जी श्रेष्ठ भक्त, भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त शंकर जी को बताया गया, लेकिन कहती है शंकर जी को भी ये सौभाग्य नहीं हुआ, इसलिए शंकर जी जब कृष्ण जन्म हुए भोले बाबा स्वयं गए दर्शन करने के लिए, लेकिन मैया ने दर्शन नहीं कराया, बोले नहीं मेरे लाला को नजर लग जाएगा, बड़े जल्दी लाला को नजर लग जाती है, मैया छुपा दी, इसलिए शंकर जी को तीन रात वहां पर बैठना पड़ा, फिर बड़े कष्ट से मैया को दर्शन कराई, बोले रह रहे जोगी नंद भवन में, कहते जोगी नंद भवन में रहा करो, जब जब मेरे लाला को कोई है जादू ना लग जाए कोई, फिर तुम राई और नून मंत्र करके दे देना, इसलिए अभी भी शंकर जी वहीं पर बैठे हुए जोगिया कुंड में। इसलिए कहते हैं जो सौभाग्य है, कहते मैया जसोदा को प्राप्त हुई सौभाग्य शंकर जी को भी नहीं, बोले शंकर जी की बात ही छोड़ दो, बोले अपि अंग संश्रया, कहते उनकी भगवान की वक्ष स्थल में जो लक्ष्मी निवास करती है, अंग को आश्रय करते हुए जो लक्ष्मी रहती है, कहते भैया वो लक्ष्मी को भी वो सौभाग्य प्राप्त नहीं। अभी भी बेलवन में है, अब लोग गए बेलवन में, बेलवन में गए कि नहीं, गए नहीं, जमुना का उस पार में हमारा मंदिर के उस पार में बेलवन है, अभी भी हर जगह में देखोगे लक्ष्मी आशीर्वाद देती है, लेकिन वहां पर देखोगे लक्ष्मी हाथ जोड़ करके बैठी हुई, बोले अभी भी बैठी हुई है, ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए रास में प्रवेश करने के लिए अभी, इसलिए जो सौभाग्य ये लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुई। कहते ही प्रसादम ले भी रे गोपी, कहते वो प्रसाद किसको प्राप्त हुई,
कहती ये गोपियों की और श्री मैया जसोदा को वो सौभाग्य प्राप्त हुई हैं और हाँ ये सौभाग्य इनको भी ये प्राप्त हुई है। इसलिए यहाँ ये श्लोक में कहते जो ना बिरिच ना भवन ना श्री, यहाँ पर जो नहीं 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 जैसे कोई बोलते ना हरे नाम है बोलते बोल, वहाँ पर तीन बार लिया। कलयुग में हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम के सिवा जीव का कोई गति नहीं गति नहीं गति नहीं। पहले भी हरि नाम के सिवा और तीन नीचे भी नहीं नहीं नहीं, जब किसी बात को तीन बार बोल देते ना पक्की हो जाता है। यहाँ पर भी उन्होंने ना ना और ना मतलब मैया जसोदा को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ ना, कहते हैं सौभाग्य तीन तीन बार प्रतिज्ञा कर कह रहे हैं, तीन तीन बार ना ना विश्वनाथ बैठा कहते हैं, तीन तीन बार उन्होंने क्यों बताया और दृढ़ता पूर्वक कह रहे हैं मैया जसोदा को गोपियों को जो सौभाग्य प्राप्त है वो सौभाग्य इस जगत में और किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुई। बोले श्री मैया जसोदा की। हाँ यहाँ पर और अच्छी बात कह रहे हैं, ये चीज को समझने के लिए कोशिश कर, एक बुढ़ो बात बता रहे आप, तब यहाँ पर कह रहे हैं आप कह रहे हो मैया जसोदा को जो सौभाग्य मिला है कहते ब्रह्मा को भी नहीं मिला। बोले हाँ, बोले कैसे, ये तो पहले द्रोण और धरा थे, इन्होंने ब्रह्मा जी को उपासना की, जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए बोले वर मांगो, तो उन्होंने क्या बोले, हम चाहते हैं कृष्ण के प्रति हमारे वात्सल्य प्रेम, कृष्ण हमारी बेटा बन करके आए, हम उनको लाल लड़ाए, उनका प्यार करें। इसलिए ब्रह्मा जी तो उनको वरदान दिया ना, उनको ब्रह्मा जी वरदान दिया बोले तथास्तु, तो उन्होंने क्या हुआ, फिर उन्होंने नंदा और जसोदा बन करके आए। आप कह रहे हो ये नंद जसोदा को जो सौभाग्य प्राप्त हो ये ब्रह्मा जी को नहीं, अगर नहीं कहते ब्रह्मा तो वरदान दिया, ब्रह्मा की कृपा से तो द्रोण ये धरा नंद जसोदा हुए ना। आप कह रहे हो ब्रह्मा जी को जो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, आप ये बात कैसे कह रहे हो, तो यहाँ पर इसको समाधान करते हैं, बोलते यहाँ ये नंद जसोदा के लिए नहीं, नंद जसोदा पहले हम जो सुन करके आए, नंद जसोदा भगवान की नित्य पिता माता ब्रज में, लेकिन द्रोण और जो धरा ये दो साधक है, इन लोगों ने जब आराधना की, ब्रह्मा ने जब तथास्तु बोल दिए, फिर क्या हुआ वो दोनों इनके अंदर मिल गए, लेकिन द्रोण धरा के इतने सौभाग्य नहीं है ब्रह्मा से बड़ा बनना है, इसलिए उन्होंने मिले। और एक बात उदाहरण देते हैं, कहते ब्रह्मा स्वयं जब उन्होंने कृष्ण का बछड़े सखा को चोरी की, ब्रह्मा तो पहले सोच रहे थे साधारण कोई बालक होगा, लेकिन जब उनको पता चला ये ब्रह्मा कृष्ण कौन है, जब उनको सारे बछड़े हैं कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बनकर गद्दी को दखल कर लिए, ब्रह्मा जब अंदर में घुसने गए और उनको घुसने नहीं दिया, भगा दिया उनको दरबार, बोले हमारी ब्रह्मा तो अंदर, तू कहां से डुप्लीकेट आ गए, तू बहुरूपिया कहां से आ गए। ब्रह्मा बोले भैया मेरे आसन को कौन दखल कर लिया, और ध्यान लगा करके देखा ना उनको प्रभु ही जाकर के आसन को दखल कर लिए, फिर तो ब्रह्मा गए और जल्दी जल्दी भाग करके आए, भैया मेरी गड़बड़ी हो गई। फिर उन्होंने क्या देखा, एक साल के बाद में देखा वही बछड़े सखाओ को लेकर कृष्ण ला कर रहे, बोले ये सच ना वो सच, चले सही स्थान का नाम सही ना, ये जय सही है, ये कौन है, ये असली कृष्ण कौन है और ये असली कौन है। इसलिए जब ब्रह्मा जी को पता चला, लास्ट में ब्रह्मा जी भगवान से क्या प्रार्थना किया, बोले तद भूरि भाग्य मिह जन्म किम अटप्यम जत गोकुलपि कथमांगरि रजोभिषेकम। ब्रह्मा जी कहते हे प्रभु, ब्रज का बाहर में जो छोटे जाति का लोग रहते हैं उनको घर के सामने में पत्थर जन्म दो, अगर मेरे को पत्थर मान करके चरण रगड़ेंगे तो मेरे जीवन धन्य हो जाएगा, इनकी चरण धूलि पा कर, किसकी, गांव के बाहर जो छोटे जाति के लोग रहते हैं उनकी चरण धूलि अगर सर पर गिर गया तो ब्रह्मा कह रहे जीवन धन्य हो जाएगा। तो ब्रह्मा जब वहाँ पत्थर जन्म पाना चाहते हैं, फिर उन्होंने जसोदा नंद को वरदान कैसे दे दिया, यहाँ पर उठा रहे विश्वनाथ बात उठा रही, फिर उनको कैसे वरदान दे दिया, बोले नहीं ये द्रोण और धरा को दिया, नंद जसोदा को उन्होंने नहीं दिया है। इसलिए नायम सुखाभ भगवान देहिनाम गोपी का सुत ज्ञानीनां च आत्मभूतानां जथा भक्ति मदामिह। इस श्लोक में बहुत अच्छी बात यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छी बात यहाँ पर कह रहे हैं। इसलिए भगवान ने जो सौभाग्य उन्होंने
भक्ति को द्वारा जैसे भगवान को जीव प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान कर्म योग को द्वारा वो वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान का नाम भक्तवत्सल है। इसलिए भगवान किसके है? ज्ञानी का नहीं, योगी का नहीं, भगवान किसका? भक्त का है, भक्त का ही भगवान। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कद भगवान कद देही और ज्ञानी और जो योगी, इनके लिए भगवान प्राप्त नहीं है। जैसे प्राप्त भक्त यथा भक्ति बदामी हम, जैसे भक्ति को द्वारा भगवान को हम वशीभूत कर सकते हैं। जो गोपी का सूत्र है, हाँ, गोपियों का जो सूत्र, मतलब जसोदा की जो सूत्र, जो कृष्ण कदी और किसी के लिए दुर्लभ नहीं, सुलभ नहीं, केवल सुलभ अपना भक्त के लिए सुलभ है। इसलिए ये बात को कल हम लोगों ने, कल ये बात को हम श्रवण करेंगे। इसलिए विश्वनाथ गुरु ठाकुर इसी विषय पर क्या कहते हैं, कल आज बहुत टाइम हो गया है, इसलिए कल हम इस बात को कल सुनेंगे। श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, हिताई गौर प्रेमानंद बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा